अब माताओं बहुओं को ये बात ध्यान कान खोल करके सुनना चाहिए और उनके पतियों को ध्यान से सुनना चाहिए। राम ने अपनी पत्नी को क्या उपदेश दिया? हिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासे ससुर पद पूजा। हिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। रहो भवने अस हृदय विचारी, चंद्री बदनी दुखी कानन भारी। रहो भवने अस हृदय विचारी, चंद्र बदनी दुखी कानन भारी। रहु भवने अस। इसलिए हे सीते, सबसे बड़ा धर्म सास ससुर की सेवा है। किसी भी पुत्र का उद्धार तभी हो सकता है जब वो अपने माता पिता की सेवा करे। तो वो ऑफिस को छोड़कर के थोड़ी बैठा रहेगा, घर को छोड़कर के थोड़ी बैठा रहेगा। पत्नी उसकी अर्धांगिनी होती है, इसलिए जो पत्नी अपने सास ससुर की सेवा करती है उससे पति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि उसके माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है, पुत्र दूसरे काम में गया हुआ है, इसलिए पुत्र वधु का कर्तव्य है कि ये मेरे प्रियतम, ये जो मेरे सर्वस्व हैं, जो देवता हैं, उनको जन्म देने वाली ये माँ है। इसलिए गंगा की पूजा हम करें उसके पहले गंगोत्री की पूजा करें, इसलिए वो गंगोत्री है तुम्हारी, जमुनोत्री है तुम्हारी। इसलिए सादर सास ससुर पद, इससे बड़ा धर्म नहीं है संसार में, सादर सास ससुर पद पूजा। श्री राम जी ने अनेकों धर्म के उद्धरण समझा करके उनको बताया, चंद्र बदन दुख कारण भारी, तुम्हें मालूम नहीं जंगल में कितने कितने भयानक कष्ट आते हैं। कौशल्या जी ने कहा था, चित्र लिखित कपि देख डराती, ये सीता इतनी सुकुमार है। एक दिन वो लक्ष्मण का सीता जी के बिना मन नहीं लगता था, कोई ना कोई बहाने अपनी भाभी माँ को देखने घुसाते थे घर में। एक दिन कौशल्या जी किसी काम में लगी हुई थी और सीता जी के मुख से चीख निकली, हाय मैया। तो देखा कि क्या बात है, कौन है? तो लक्ष्मण था वहाँ पर। तो क्या किया लक्ष्मण तूने? तो लक्ष्मण जी अतुल के कुछ नहीं किया। बोले कुछ तो तूने किया होगा। बोले कुछ नहीं, एक चित्र दिखाया मैंने भाभी माँ को। कौन सा चित्र, मुझे दिखाना। तो उसमें एक बंदर की तस्वीर थी दांत कटकटाते हुए, और लक्ष्मण जी सीता जी के पास में कहा कि माँ माँ देखो जरा, देखो मैं कितना अच्छा फोटो लाया हूँ राम जी का। और जो ही ऐसे खींच दिया और वो दांत बाए हुए बंदर था। तो सीता जी ने हाय मैया कह करके आंखें बंद की। कौशल्या जी ने डांटा का भाग जा बाहर, अभी आना घुसना मत, जब भी देखो तभी सीता को परेशान करने चलाता। इसलिए कौशल्या जी आज कहती है, इससे विपिन बसय हिमराती, चित्र लिखित कपि देख डराती। जो चित्र में बने हुए बंदर की सूरत को देख करके डर जाती है, ये जंगल में कैसे रहेगी। राम जी समझाते हैं, चंद्र बदन दुख कारण बन आहार रघार रजनीचर करही। ये रजनीचर राक्षस रहने वाले वो मनुष्यों को उठा करके खा जाते हैं, भयानक भयानक सिंह सांप वहां पर दाल मारते हैं। कंट का किरण भूमि पर तुम्हें चलना पड़ेगा, लागे अति पहाड़ कर पानी, और विपन विपत्ति नहीं जाए बखानी। पहाड़ों का पानी लगता है, होता तो निर्मल है, लेकिन कभी उत्तराखंड गंगोत्री जमुनोत्री जाना तो बीच में पानी बहता रहता है, अगर पी लो तो आपको थोड़ी देर बाद में पेट में दर्द होने लग जाएगा और आपको बैठना पड़ेगा। पहाड़ों का पानी लगता है, लागे अति पहाड़ कर पानी, विपन विपत्ति नहीं जाए बखानी। इसलिए सीता जी को बहुत प्रकार से चंद्र बदन तुम नहीं बन जोगू, सुने अबजस मोहि दई हैं लोगों। राम जी ने बहुत प्रकार से समझाया तो सीता जी ने कहा कि मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकती, आपने जितने भी हमें धर्म बताए नारी के, सारे धर्म मैंने भी पढ़ाई की है, मुझे मालूम है कि मुझे क्या कर्तव्य करना चाहिए। ये बात ठीक है कि सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, लेकिन नारी धर्म में ये बताया गया है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, और आफत काल परखिए चारी।
इसलिए धैर्य धर्म मित्र और नारी की परीक्षा केवल आपत्ति काल में होती है। मेरी माँ के पास में अभी मेरी बहन है उर्मिला, वो इनको संभाल लेगी। मेरी माँ के पास में और भी मेरी बहनें हैं, दासी दास हैं, राजभवन हैं, इनकी देख सेवा करने के लिए कोई भी मिल जाएगा। लेकिन हे प्रियतम, आप जंगल में अकेले जाओगे, न सेज होगा, न सैया होगी, न भोजन होगा, न सहारा होगा। चलते चलते तुम थक जाओगे, मुख सूख जाएगा, तुम्हें कौन पानी पिलाएगा, मैं किस लिए हूं? इसलिए मेरा धर्म कहता है कि मुझे आपके साथ में चलना चाहिए। अगर आप किसी राजकीय कार्य से कहीं यात्रा कर रहे होते, मैं आपको कभी विवश नहीं करती, लेकिन मुझे मालूम हो चुका है कि आप वनवासियों का वेश धारण करके जंगल जंगल में भटकेंगे। इसलिए पांव पखार बैठ तर छाहूं, करे हो बाव मदत मनवाही। जब आप चलते चलते थक जाएंगे, एक वृक्ष के नीचे बैठा करके आपके पांव को पखारूंगी और अपने आंचल से आपके ऊपर हवा करूंगी, आपके पांव में लगे हुए कांटों को मैं निकालूंगी। ये मेरा धर्म है, इसलिए मुझे प्रभा जाए भानु बिहारी कहा चंद्रिका चांद तज जाई। प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु तज छा रही है किम छैकी। प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु तज सीता जी ने राम जी से तीन प्रश्न किए। सीता जी जान मालूम है कौन है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावाओ और जासु कृपा निर्मल मति पावाओ। ये निर्मल मति को प्रदान करने वाली देवी है, उसकी मति देखिए। उसने तीन प्रश्न किए। पहला प्रश्न उन्होंने ये किया कि आप मुझे बताइए, प्रभा जाए कहूँ भानु बिहाई, क्या आप सूर्य से सूर्य की प्रभा को अलग कर सकते हैं? राम जी चुप हो गए, कहा नहीं कर सकते। कहूँ चंद्र का चांद तज जाई, प्रियतम मुझे बताओ क्या आप चांद से उसकी चांदनी को जुदा कर सकते हो? राम जी ने कहा, मैं आपसे कहती हूँ, आपको जो उचित लगे आप करना। अगर आप मुझे लेकर के नहीं गए कि तनु प्राण कि केवल प्राणा, या तो मेरे शरीर और प्राण दोनों आपके साथ में चलेंगे, और आप शरीर से अगर नहीं ले गए तो शरीर यहीं रह जाएगा और मेरी प्राण आपका अनुगमन करेंगे, मेरी आत्मा आपके पीछे पीछे उड़ेगी। राम जी समझ गए कि सीता को मैंने हठपूर्वक अगर रख दिया तो इसके प्राण नहीं रहेंगे। तत्काल राम जी ने कहा, फिर विलंब ना हो, और फिर उन्होंने सीता जी को